मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था कि फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। इनके चाय पीने के लिए बिल गेट्स भी आते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनकर अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन जो बंदा बिल गेट्स के साथ वीडियो बना ले उसके क्या ही ठाट होंगे। अभी कुछ ही समय पहले इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने वाले डॉली चाय वाला के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, लेकिन हाल ही में वे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि इनकी चाय पीने के लिए कोई और नहीं बल्कि बिल गेट्स आए थे। पर आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे और कैसे डॉली चाय वाला की चाय का स्वाद बिल गेट्स की जुबान पर छा गया। सर नो सेल्फी, सर नो सेल्फी, मैडम सेल्फी, एवरीवन व्हाट। और इतना ही नहीं, बिल गेट्स को चाय पिलाने वाला ये बंदा एक दिन में कितने रुपए कमाता है? डॉली भाई तुम्हारा कैश काउंटर तो बहुत खुला रहता है एकदम, उससे कोई प्रॉब्लम होती क्या? नहीं खुला रहेगा तो खुला, ये भी हम आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आप लोगों ने एक से बढ़कर एक इन्फ्लुएंसर देखे होंगे, रातों रात वायरल होने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसे पता था कि चाय बेचने वाला ये बंदा बिल गेट्स तक पहुंच जाएगा। आंखों में चश्मा, लंबे बाल और स्टाइल के साथ चाय बेचने का अंदाज डॉली को सबसे खास बनाता है। इसी वजह से लोगों ने इन्हें पसंद करना शुरू कर दिया। जब ये चाय देते हैं तो इनका बिंदास तरीका लोगों को बड़ा पसंद आता है, तभी तो लोग इनके चाय के ठेले के पास खड़े होकर चाय पीने के लिए बेताब रहते हैं। पर उनमें बिल गेट्स का नाम भी आएगा ये तो अजूबा ही हो गया। पर आखिर ये अजूबा हुआ कैसे? डॉली चाय वाला है कौन? इसकी रियल एज और इनकम वगैरह क्या है? और इसके पीछे की कहानी क्या है? तो दोस्तों ये है डॉली चाय वाला, जिनकी चाय तो लोगों को पसंद आती ही आती है, लेकिन पर्सनालिटी और हेयर स्टाइल के साथ साथ इनका चाय पिलाने का अंदाज भी लोगों को बड़ा इम्प्रेस करता है। लेकिन ये सब डॉली लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि शुरुआत से ये ऐसे ही है, इसी तरह सालों से चाय बेचते आ रहे हैं। लेकिन एक दिन जब एक यूट्यूबर की नजर इन पर पड़ी तो उसने इनका वीडियो बनाया और इनसे कुछ सवाल पूछे, जिसके जवाब इतने शानदार थे कि यूट्यूब पर वो वीडियो जाते ही वायरल हो गई, करोड़ों लोग वीडियो देखने लगे। और फिर क्या था, एक साधारण सा चाय वाला इंटरनेट सेंसेशन बन गया। कई लोगों का मानना ऐसा भी है कि डॉली चाय वाला का नाम कुछ और है, पर अभी तक इन्होंने अपने असली नाम का खुलासा नहीं किया। जी हाँ, आप इनके जितने भी वीडियो देखेंगे उसमें से इन्होंने कभी अपना नाम नहीं बताया। इनका कहना है कि इनका नाम डॉली ही है और लोग इन्हें उसी नाम से बुलाए तो इन्हें अच्छा लगता है। यहाँ तक कि कई सारी वीडियोस में ये तक देखा गया है कि जो लोग इन्हें डॉली भाई कहकर बुलाते हैं ये उनके ऊपर भी गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? जी हाँ, अपने इसी ठेठ अंदाज की वजह से लोग इनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। हालांकि कई सारे ऐसे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे जहां पर लोगों का ये कहना है कि डॉली इनकी गर्लफ्रेंड का नाम है, जबकि इन्होंने एक वीडियो में इस बात से साफ इनकार किया है और ये कहते हैं कि डॉली इन्हीं का नाम है। बाकी असलियत क्या है वो तो ये खुद ही जाने, लेकिन जितना इन्होंने अपनी वीडियोज में कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। नागपुर में रहने वाले डॉली एक मराठी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए मराठी के साथ साथ हिंदी भी बोल लेते हैं। अब अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने एक वीडियो में ये बताया था कि ये केवल 10वीं क्लास ही पढ़े हैं और फिर बाद में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। और तो और डॉली का ये भी कहना है कि नागपुर में पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं। हालांकि इनकी चाय की टपरी पर पहले इनके बड़े भाई और पिताजी बैठते थे, जिसके बाद करीब आज से 10 साल पहले इन्होंने चाय की टपरी पर बैठना शुरू किया। दोस्तों डॉली की चाय देने और सिगरेट पिलाने की यूनिक स्टाइल के चलते ही लोग इनके पास खींचे चले आते हैं। ये अपने कस्टमर्स के साथ हंसी मजाक करते हुए उन्हें चाय पिलाते हैं और कई बार ये ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो लोगों को बुरी लग सकती है,
लेकिन इनके कस्टमर्स इनसे इतना प्यार करते हैं कि वो कभी इनकी बातों का बुरा ही नहीं मानते और इनकी चाय के पास खींचे चले आते हैं। अब अगर हम इनके यूनिक हेयर स्टाइल की बात करें तो इनका कहना है कि इनकी हेयर स्टाइल पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फिल्म के लीड एक्टर कैप्टन जैक स्पैरो का किरदार निभाने वाले जॉनी डीप से इंस्पायर है। और अगर इनके चाय और सिगरेट पिलाने के अंदाज की बात होती है तो इनका कहना है इसके पीछे रजनीकांत का हाथ है, क्योंकि रजनीकांत के बहुत बड़े फैन है और इन्हीं के स्टाइल्स में अपना स्टाइल बना लेते हैं। बाकी अगर हम इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा इनके बड़े भाई भी हैं, जो पहले चाय का बिजनेस किया करते थे। और चाय के बिजनेस के साथ साथ ये लोग पहले पूरी सब्जी और पकौड़े वगैरह भी बेचते थे, पर डॉली का कहना है कि उसमें इन्हें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। पर अब तो इनकी चाय ही इतनी ज्यादा बिकती है कि इनके पास किसी और चीज को बेचने की फुर्सत ही नहीं है। दोस्तों, डॉली का ऐसा कहना है कि शुरुआती समय में जब इन्होंने चाय बेचना शुरू किया था तो इन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती थी, क्योंकि इनके भाई ने चाय बेचना बंद कर दिया था और घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, जिस वजह से इन्होंने चाय के बिजनेस में आने की सोची। पर इनके बिजनेस के शुरुआती महीने बहुत ही ज्यादा खराब थे, पर इन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं हारी और लगातार अपने कस्टमर्स को हंसी मजाक करते हुए चाय पिलाते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि लोग इनकी चाय की टपरी पर बहुत ज्यादा आते थे। हालांकि अपने लोकल एरिया में तो ये फेमस थे ही, लेकिन जब YouTube पर वीडियो बनाने वाले शख्स ने आकर इनकी YouTube वीडियो बनाई और इनकी चाय का टेस्ट लोगों को बताया तो न सिर्फ ऑनलाइन लोगों ने इनके अंदाज को पसंद किया, बल्कि नागपुर में रहने वाले लोग दूर दूर से इनकी चाय पीने आते हैं और इनकी दुकान में लगने वाली भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी एक दिन की कमाई कितनी होगी। ये केवल चाय बेचकर ही दिन भर में 5 से 10 हजार की इनकम जनरेट कर लेते हैं, और अगर सोशल मीडिया और यूट्यूब की बात करें तो उससे भी ये महीने में 1 लाख से ज्यादा की कमाई करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर सिविल लाइन नागपुर पर चाय बेचने वाले डॉली भाई की चाय में इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, लोगों का ये कहना है कि इनके चाय का स्वाद बड़ा ही बेहतरीन होता है। अगर आपको इनकी चाय पीनी है तो आप सोमवार से शनिवार इनकी चाय की टपरी पर जा सकते हैं, बस संडे के दिन ये छुट्टी लेते हैं। अब अगर हम इनकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो डॉली का खुद का ये कहना है कि इनके इतने ज्यादा पॉपुलर होने की वजह इनके कस्टमर है, बाकी इन्हें पॉपुलर होने का कोई शौक नहीं है। ये फेमस नहीं होना चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। पर अब डॉली की जिंदगी नॉर्मल नहीं रही, क्योंकि इन्होंने वाकई में कमाल कर दिया है। बाकी अगर हम बात करें बिल गेट्स इनके यहाँ चाय पीने क्यों आए थे, अगर वो चाहते तो बड़े बड़े 5-स्टार होटल में भी चाय पी सकते थे, पर दोस्तों देखा जाए तो एक तरह का ये पब्लिसिटी स्टंट था। जहां भारत की चाय बड़ी फेमस है और बिल गेट्स ने भी सोचा कि अगर चाय फेमस है तो उसे एक फेमस इंसान के हाथों से ही पीना सही रहेगा, इसलिए उन्होंने ना केवल डॉली चाय वाले के हाथों की चाय पी बल्कि इंटरनेट पर छा गए। बाकी आपका बिंदास डॉली के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।